हमारा जो इंडिया है दोस्तों, यहाँ पे सिनेमा की डाइवर्सिटी है और डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म्स आ रही हैं। इस हफ्ते यानी कि 13 तारीख को रिलीज हो रही है मर्करी, और ये जो मर्करी फिल्म है ना, ये इंडिया की पहली साइलेंट हॉरर थ्रिलर फिल्म है। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये फिल्म के डायरेक्टर ने दावा किया है और मैंने फिल्म देख ली है। चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में कि इस हफ्ते क्या आप इस फिल्म को देख सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, हॉरर फिल्म के अगर आप दीवाने हैं, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म के दीवाने हैं, तो आप लोगों के लिए ट्रीट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने पूरी 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 कास्ट के साथ, पूरे स्क्रिप्ट के साथ, पूरे प्लॉट के साथ, म्यूजिक के साथ, सब चीज के साथ जस्टिस किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टोरी के बारे में। स्टोरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि डायरेक्टर जो है मिस्टर कार्तिक शुभराज, उनके एसोसिएट हैं, कोई एसोसिएट जो होते हैं ना, असिस्टेंट होते हैं, वो आते हैं फिल्म दिखाने से पहले, बोलते हैं कि गाइस प्लीज, ये थोड़ा सा प्लॉट जो है सस्पेंस है, हॉरर थ्रिलर है, तो आप अपने रिव्यू में इस चीज को रिवील मत कीजिएगा। तो यार, उन्होंने इतने बड़े आदमी ने बोला है, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, तो नहीं बताता हूं। लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि मर्करी पॉइजनिंग के ऊपर फिल्म है दोस्तों। पांच ऐसे दोस्तों की कहानी है जो कि डम एंड डेफ है, ठीक है, जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाते हैं और वो किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो कि थोड़ा सा भूत सा है, मतलब पूरी नहीं, मेरे शब्द निकल रहे बाहर, मैं नहीं बता सकता। फिर उसके बाद इनकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाएगी। अब आखिरी में देखना मजेदार रहेगा कि इनकी जिंदगी में क्या चेंज होंगे, क्या ये जो हमें थ्रिलर फिल्म लग रही है, क्या ये हॉरर में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं। सारी चीजों के लिए आपको पहले फिल्म देखनी पड़ेगी दोस्तों, मर्करी। अब ये तो है स्टोरी की बात, बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन मिस्टर कार्तिक शुभराज ने पूरी तरीके से जस्टिस किया है दोस्तों, और डायरेक्टर की जो कैपेबिलिटीज है ना, वो पता चल जाता है। देखो जी, हॉरर फिल्म्स है ना, बनाना कोई ऐसा नहीं कि जाकर किचन में जाओ और हलवा बना दो। हॉरर के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ऐसी फिल्म के लिए जिसमें कि डायलॉग ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरी फिल्म में एक भी सिंगल डायलॉग नहीं है, ये एक साइलेंट फिल्म है। राजा हरिश्चंद्र टाइप, मैंने आपको बताई थी ना, 1913 में पहली इंडिया की फिल्म आई थी जो कि साइलेंट फिल्म थी। तो अभी 2018 में एक साइलेंट फिल्म आती है जो कि एक हॉरर फिल्म है, और इसमें सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है वो बैकग्राउंड स्कोर ने पोर्ट्रे किया है। तो भाई, डायरेक्टर जो हमारे कार्तिक हैं, उन्होंने पूरी चीजों के साथ जस्टिस किया है। कार्तिक ने हर एक एंगल को डिफाइन तरीके से दिखाया, उन्होंने हॉरर जो एक जॉनर होता है उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। कार्तिक को यहाँ पर दोस्तों थम्स अप देना चाहूंगा। अब अगली बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर की। तो बैकग्राउंड स्कोर में सबसे ज्यादा मजा है, फिल्म की जो शुरुआत होती है लाउड बैकग्राउंड स्कोर के साथ होती है। लेकिन लिटरली पूरी फिल्म देखते देखते ना, मेरे हाथ ऐसे थे, अब क्या होगा यार, वो उसको मार डालेगा, अरे यार ये भूत है, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया? मतलब लिटरली, पता है, इतना ज्यादा माहौल जो था मेरा टेंस था, और सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे जितने भी मीडिया पर्सन थे, सब लोग एकदम चुपचाप होके देख रहे थे, अब क्या होगा, और सबके अंदर दिलों में धक 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 हो रही थी, क्योंकि फिल्म की इंटेंसिटी है बॉस। फिल्म में जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर को इस्तेमाल किया गया है, काबिलिए तारीफ है। बैकग्राउंड स्कोर के लिए मैं थम्स अप देना चाहूंगा दोस्तों मिस्टर संतोष नारायणन को। संतोष नारायण का बैकग्राउंड स्कोर लाउड है, लेट मी टेल यू, लेकिन आपको डराता है। और साइलेंट फिल्म में जो कैरेक्टर्स तो हम देख रहे हैं सामने, जो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पे अलग से एक्टिंग करता है दोस्तों, जो कि वंडरफुल है। लोकेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तमिलनाडु की लोकेशन है दोस्तों, तमिलनाडु के ही बैकग्राउंड सेटअप में ये स्टोरी है, रिवॉल्व करती है। हम तमिलनाडु के खूबसूरत चाय के बागान देखते हैं, वहां के रास्ते देखते हैं। आई गेस यहाँ पर है ना, मुझे लगता है चेन्नई एक्सप्रेस का वो जो गाना है ना, चिपक चिपक के चल पड़ी अपनी रेल एक्सप्रेस, जो गाना है वो शायद यहाँ पर शूट हो चुका है, क्योंकि चाय के बागान इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। वो पहाड़ है, ग्रीनरी है, साथ ही साथ बारिश हो रही है, तो बहुत सुंदर सिनेमेटोग्राफी करी है कैप्चर। और सिनेमेटोग्राफी के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों मिस्टर एस टीरू की। एस टीरू जो है, इनका ये पहला प्रोजेक्ट है एज अ सिनेमेटोग्राफर, मिस्टर कार्तिक डायरेक्टर के साथ।
कैमरा एंगल इतने ज्यादा फाइन है दोस्तों, जो कैमरा एंगल अपने आप में ही घुमाते हुए नजर आते हैं। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो उसमें है ना एक डिफरेंट कैमरा एंगल आपको नजर आएगा, जो कि आपको अपसाइड डाउन दिखाएगा चीजें। और इसमें भी हॉरर एलिमेंट को ध्यान रखा है सिनेमेटोग्राफर ने। तो ऑल इन ऑल इसमें हम एक्टर्स की एक्टिंग तो देखते ही है, लेकिन दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में डायरेक्टर का सबसे मेजर कैरेक्टर है। फिर उसके बाद जो इसमें मेन लीड है वो है दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफर। ये तीन ने पूरी फिल्म को उठा के रख दिया है, एंड ऑफ कोर्स जो स्क्रिप्ट है उसने भी। लेकिन कैरेक्टर्स ने भी कमाल किया है, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो डम एंड डेफ हैं, जो कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। ऐसे में वो एक हॉरर सिचुएशन में फंसते हैं। किस तरीके से उनके साथ जो हॉरर चीजें होती हैं पूरी फिल्म के अंदर वही है। आप वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे एक दूसरे को रोकेंगे, उस दरवाजे को मत खोलो, ये मत करो, वो मत करो, तो ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो हॉरर है, इससे पहले जो हॉरर फिल्म आ चुकी हैं बॉलीवुड में, उस तरीके की होगी, क्रिंजवर्दी होगी, या फिर उसमें भूत जो है नकाब पहन कर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें एकदम दिमाग वाला भूत है, मजा आएगा, आप फिल्म देखने जाइए। और एक्ट्रेस की बात करूं तो प्रभु देवा की फाइन एक्टिंग हमें नजर आई है, वो है ना पूरी फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे करते हुए नजर आएंगे। वो बेसिकली है ना वॉइस कंट्रोल कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हॉरर सस्पेंस सब खत्म हो जाएगा। और जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है दोस्तों, उसमें है राम्या है, सनातन है, दीपक है, परमेश है, तो ये जो है साउथ इंडियन इंडस्ट्री के जाने माने चर्चित चेहरे हैं, उनको लेकर फिल्म बनाई है। तो सबने अच्छा काम किया, लेकिन जो स्टैंड अलोन आते हैं वो ऑब्वियसली प्रभु देवा आते हैं, क्योंकि प्रभु देवा की एक्टिंग जिस तरीके से उन्होंने हमें डराया है अपनी आंखों से, अपने अपने बोलचाल से, बॉडी लैंग्वेज से, मजा आ जाएगा फिल्म देख के। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दे सकता गाइस, क्योंकि ये फिल्म स्पॉइलर अगर दूंगा आपका मूड ही स्पॉइल हो जाएगा। सो 13 तारीख को फटाफट से आप ये फिल्म देखिए, क्योंकि फिल्म वर्थ इट है, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे और आपको जेन्युइनली डर लगेगा। लेकिन लास्ट की एंडिंग आपको लगेगा आई ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा मोमेंट मुझे भी हुआ था और बाकी के लोगों को भी हुआ था। सो ऑन अ स्केल ऑफ 5, 1 to 5, तो मैं फिल्म को 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा अपनी तरफ से। एंड फिल्म देखिए आप भी फटाफट, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बता दीजिए कि आपको फिल्म को देखकर डर लगा कि नहीं, ये मर्करी कैसी है, और ये बिना साइलेंट फिल्म है दोस्तों, तो थोड़ा सा मोबाइल ऑफ कर देना और पूरा फिल्म में कॉन्सेंट्रेशन देना, ठीक है। चलो बाय, आपका रिव्यू बताओ नीचे, मैं वेट करता हूँ कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।